हेलीकॉप्टर, यहाँ इमरान खान और इसकी फैमिली वगैरह जो है वो हेलीकॉप्टर हमारे सूबे के हेलीकॉप्टर वो जलसों में इस्तेमाल हो रहे हैं। के लोग बहुत ज्यादा गम गुस्से में है कि और इधर सर शदीद गुस्सा है आया और उसको टिकट मिला, हम उसको गोली मार दे, इतने परेशान। चारसद्दा में भी पीटीआई के खिलाफ ऐसा एक गुस्सा फैला हुआ है, ऐसा एक गुस्सा क्योंकि जीरो इंटरेस्ट, जीरो कर रहे हैं। जी मैं एक बात करूँ, एक बात करूँ ना, वो इलेक्शन के लिए 9 जो है सीट्स, इसके लिए इलेक्शन में जलसे करते हैं। अब तो हम कोशिश में दो लोग पांच हेलीकॉप्टर नहीं था, 4-5 घंटे ऐसे डीसी एसी थे, उन्होंने इन्होंने कहा कि हमसे किसी ने मांगा नहीं है, फिर एसी और डीसी ने बोला कि हमने बाकायदा सूबाई हुकूमत को बोला। कल हमारे सूबे में जो इत्तेलात का मिनिस्टर आया हुआ है उसने कल बयान दिया कि ये हेलीकॉप्टर सैलाब जदगान को बचाने के लिए नहीं है, ये वजीर आला के अपने ये संजीदगी है। ये 3 दिन से एक हेली जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो स्वात में ऑपरेट कर रहा है, पहले दिन उसकी वजह से नहीं हुआ था। सो अभी सॉर्टीज उसकी जो स्वात में जितने भी कालाम से लोग निकले हैं वो उनसे हैं, और जो 11 कोर के हेलीकॉप्टर्स हैं वो कुमराट से निकाल रहे हैं। इस वक्त एज वी स्पीक 5 हेलीज, 1 प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और 4 आर्मी के, वो इवैक्यूएशन कर रहे हैं। लेकिन सर जब वेदर नहीं होता तो उसमें तो जाहिर है चाहते, लेकिन जब ये पॉइंट लोगों ने उठा लिया पूरे मीडिया तो तब वजीर आला साहब ने कहा कि मेरा एक हेलीकॉप्टर। अच्छा एक बात कर रहा हूँ, यहाँ एक पुल सदर काबिल रहे उस पर गिर गया था, तकरीबन 8-9 साल में इस सूबाई हुकूमत ने बनाया, अभी भी बनाया है। तो हम कहते हैं कि हम उनसे कुछ तवक्कु नहीं रखते, मेहरबानी फरमाएं आप पूरा रिलीफ, इंसानियत की तवक्कु आपके साथ है। और आप पहले खादिम पंजाब थे, अब खादिम पाकिस्तान इंशाल्लाह, हम आपको बहुत चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। तो हमारे रोड जो है वो खराब हो चुके हैं, ये तो कहाँ ये जरी जमीन जो है लाखों एकड़, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। वफाकी हुकूमत मिलकर एनडीए में इंशाल्लाह यहाँ पर और सूबे से भी मिलकर हम अपने इस वक्त 28 अरब रुपए के 25-25 हज़ार रुपए फी खानदान जो मुतासर आए हैं उनको तकसीम किए जा रहे हैं। वफाक 28 अरब रुपए मुहैया कर दिया है और इसका हमने मैकेनिज्म बनाया है, वो बनाया है हमने इसको बिस्प, ताकि बिस्प में सारा निज़ाम मौजूद है और उसके ज़रिए ये पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। हाँ जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यहाँ पर केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में, शेरबाब साहब ये हर जगह ये चल पड़ा है बिल्कुल, और बहुत तेज़ी के साथ। अभी मैं पीछे होके आया हूँ नौशहरा से, वहाँ पर भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैंने 3 सितंबर की अमल वली खान साहब मैंने दे दी है तारीख के 3 तारीख तक ये काम मुकम्मल करें, और उसके बाद मैंने सिंध में बेपनाह तबाही आई है, शेरपाव साहब बहुत तबाही आई है, और इतना पानी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, बलूचिस्तान में आई है। अभी मैं यहाँ पर आपके काबिल रिवर को देखता आया हूँ, तो वहाँ पर हमने वफाक ने 15 अरब रुपये सेंड के लिए ग्रांट का ऐलान किया है, और बलूचिस्तान में कल मैंने 10 अरब का ऐलान किया। मैं आज यहाँ आया हूँ, अभी मैंने जाना है कल या परसों कालाम जाऊँगा, कोहिस्तान जाऊँगा, और वहाँ पर सारा पर इंशाल्लाह तखमीना करके जो सुबह वफाक जो है वो हाज़र है इंशाल्लाह।